नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पहला परीक्षण दंगल गर्ल विनेश फोगाट से वजन वाली हुई कथित चीटिंग का होगा। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई हैं और रेसलिंग में इंडिया इतिहास रचते रचते रह गया। पहले फाइनल में विनेश का वजन कैसे बढ़ा, वजन घटने के लिए विनेश ने क्या किया, भारत के गोल्डन सपने को 100 ग्राम भार से कैसे लगा धक्का, कैसे अयोग्य होकर भी हिट है हरियाणा की छोरी और क्या है साजिश की पूरी थ्योरी, पटियाल आपको सब कुछ बताएगा। दूसरा परीक्षण आग का दरिया बने बांग्लादेश का होगा। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ होंगे। कल रात 8 बजे अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन सत्ता संभालने से पहले मोहम्मद यूनुस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, पड़ोस में नए निजाम की हर मुसीबत का परीक्षण देखिए पटियाल के साथ। तीसरा परीक्षण बांग्लादेश में बढ़ती कट्टर सोच का होगा। राजनीतिक प्रतिशोध में शेख हसीना के करीबियों को कैसे निशाने पर लिया जा रहा है। बांग्लादेश से रिलीज हुई नफरत की पूरी पिक्चर देखने के लिए आप बने रहिए 9:25 तक पटियाल के साथ। पब्लिक इंटरेस्ट में पहला परीक्षण वजन की अहमियत का होगा। वजन से भारत का गोल्डन ड्रीम कैसे टूटा और क्या शेख हसीना के बढ़ते राजनीतिक वजन ने उनसे सत्ता छीनी, विनेश और बांग्लादेश दोनों जगह वेट पर क्यों मचा है कलेश, इस थ्योरी को आसान भाषा में समझाने के लिए अब पटियाल आपको दो तस्वीरें दिखाएगा। 53 किलोग्राम वर्ग में एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 5 गोल्ड मेडल दिलाने वाली दंगल गर्ल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ रही थी, फाइनल तक पहुंची, ओलंपिक मेडल पक्का समझा जा रहा था, लेकिन 100 ग्राम वजन ने हरियाणा की सुपरहिट छोरी के हाथ से गोल्डन मेडल छीन लिया। विनेश बेशक अब बिना मेडल के भारत लौटेंगी, लेकिन पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। पेरिस में विनेश के साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसका भार बढ़ा और भार घटाने के लिए उसने क्या कुछ किया, ये जानने से पहले आप ये देखिए कि कैसे बढ़ता सियासी रसूख शेख हसीना के पॉलिटिकल पतन की वजह बन गया। 15 साल से बांग्लादेश में हसीना का एक छत्र राज था। सत्ता में रहते हुए हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी का वजन बढ़ाया और जमात का कद घटाया, चीन से नजदीकियां बढ़ाई और अमेरिका से दूरियां नहीं मिटाई। क्या कट्टरपंथियों को औकात दिखाना और खालिदा जिया मोहम्मद यूनुस जैसे से बैर बढ़ाना बांग्लादेश में तख्तापलट की वजह बना? आज बांग्लादेश क्यों आग का दरिया है और क्यों मोहम्मद यूनुस को उसमें डूब कर जाना है? पेरिस से ढाका तक वजन वाले बवंडर की पूरी एबीसीडी पटियाल आपको समझाएगा। 50 किलोग्राम की लड़ाई थी, 100 ग्राम वजन पर आ गई और 140 करोड़ भारतीयों का गोल्डन सपना धराशायी हो गया। पेरिस ओलंपिक के दंगल से देश की धाकड़ गर्ल बाहर हो गई। विनेश फोगाट को ओलंपिक महिला कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर विनेश की लापरवाही, किसकी गलती से देश का मेडल छिना? दिल्ली से करीब 6500 किलोमीटर दूर पेरिस में फाइनल से पहले विनेश के साथ खेल का पूरा परीक्षण आपको दिखाऊंगा। 100 ग्राम कम वजन वाली थ्योरी भी आपको बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन पहले विनेश फोगाट से जुड़े सारे अपडेट जान लीजिए। विनेश ने ओलंपिक के फाइनल में बाहर होने का अफसोस सारे देश को इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मंगलवार को हरियाणा की इस छोरी ने बैक टू बैक 3 मुकाबले जीते। विनेश ने पहले ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराया। क्वार्टर फाइनल के यूक्रेन में जो खेल रहे थे वहां के बहुत तगड़े खिलाड़ी ओक्साना लिवाच उनको पटकनी दी और फिर सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को शिकस्त दी। ये तीनों मुकाबले जीतने के बाद विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी। विनेश का सिल्वर मेडल लगभग पक्का हो चुका था,
लेकिन 100 ग्राम भार बढ़ने से विनेश का ना सिर्फ गोल्ड मेडल का सपना टूटा बल्कि सिल्वर मेडल भी हाथ से फिसल गया। अब आप सोच रहे होंगे सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिला। असल में ओलंपिक के नियम ये कहते हैं कि जब किसी खिलाड़ी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो फिर वो उस प्रतियोगिता में किसी भी मेडल का हकदार नहीं होता है, भले ही उसने पहले कोई भी जीत हासिल क्यों ना की हो। इसीलिए फाइनल में डिस्क्वालिफाई होने के बाद विनेश की क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की जीत भी मेडल के लिए मायने नहीं रखती। 50 किलोग्राम वर्ग में आने से पहले विनेश क्या करती थी, वो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में कुश्ती लड़ती थी। अब से कुछ घंटे बाद पेरिस में महिला कुश्ती का फाइनल होगा। ओलंपिक नियमों के मुताबिक अब विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हारी क्यूबा की गुजमान लोपेजी फाइनल खेलेंगी। विनेश के अयोग्य होने से सेमीफाइनल हारने के बावजूद गुजमान को फाइनल खेलने का मौका क्यों मिला, अब पटियाल आपको बताएगा कि वजन को लेकर वो कौन सा नियम है जिसकी वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। दरअसल ओलंपिक का हर इवेंट 2 दिन में होता है, मतलब पहले प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होता है और दूसरे दिन यानी अगले दिन फाइनल खेला जाता है। रेसलर को दोनों दिन अपना वजन मेंटेन करना पड़ता है। कुश्ती के पहले दिन यानी जब 3 मैच खेले जाते हैं तब पहलवान को 30 मिनट का वक्त वजन के लिए मिलता है। 30 मिनट में रेसलर कई बार अपना वजन चेक कर सकता है और उसे मेंटेन करने के लिए कसरत भी कर सकता है। दूसरे दिन यानी फाइनल मुकाबले के दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। वजन के दौरान रेसलर सिर्फ कुश्ती कॉस्ट्यूम ही पहन सकता है, यानी कोई भी फालतू चीज नहीं उसके शरीर से टच होनी चाहिए। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप किया जाता है। रेसलर के नाखून कटे हैं या नहीं कटे हैं ये भी चेक किया जाता है। विनेश फोगाट को ये पता था कि देश उनको गोल्डन गर्ल की तरह देख रहा है, तो ऐसे में 3-3 मुकाबले जीतने के बाद विनेश का वजन अचानक कैसे बढ़ गया? क्या विनेश ने कोई लापरवाही की या फिर ये शरीर के मेटाबॉलिज्म का असर होता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने इंटरनेशनल रेसलर और कोच अर्जुन अवार्डी अलका तोमर से बात की है। पहले इन्हें सुनिए, इसके बाद विनेश के वजन में हुए खेल का पूरा परीक्षण करूंगा। मुझे जो लगता है एज ए रेसलर कि अगर आपको पता है ओलंपिक्स के रूल कि अगले दिन आपका वेट होगा तो आपको पहले से ही अपना डाइट शेड्यूल बनाना था कि भाई मेरे को ये खाना है, इससे इतना वेट बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पे चूक आपको अगले दिन वो भारी पड़ गई, अगले दिन आपको डिहाइड्रेट हो गई आपकी बॉडी, क्योंकि आपने पूरा दिन वहाँ पे काम किया। एरिना में आप 10-11 बजे जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपने रेस्ट भी किया होगा, थोड़ा बहुत आपने नींद भी पूरी की होगी, उसके बाद आपने वेट चेक किया, वेट ज़्यादा आया है, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी रात में ही, आपको टेंशन होगी। चूक वो डाइट में ही हुई है, जो रिकवरी के टाइम पे आपने डाइट लिया चूक वहीं पे हुई है कि आप ऐसा क्या खा गए, आप ऐसा एनर्जी ड्रिंक आपने लिया है या कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी बॉडी में लिया है जो वो निकल नहीं पाया उस टाइम पे। ठीक है, आपकी बॉडी उस टाइम पे कैसा काम कर रही है, आपकी बॉडी को अंदर क्या जाना चाहिए थे, आप कितनी प्रैक्टिस करके उसको घटा सकते थे, ये सारी प्रिपरेशन पहले ही हो जानी थी। ओलंपिक में रेसलिंग चैंपियन बनने के लिए विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। 6 अगस्त यानी कल सुबह 7:30 तक जब विनेश फोगाट का वजन नापा गया तो उनका वजन 50 किलोग्राम ही था। वजन के बाद ही विनेश गेम के लिए क्वालिफाई कर पाई। इसके बाद विनेश फोगाट ने दोपहर 2:44 पर 50 किलोग्राम कैटेगरी में जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराया। तकरीबन 55 मिनट बाद 3:40 पर विनेश ने यूक्रेन की लिवाच ओक्साना को 7-5 से हराया। इसके बाद रात 10:13 पर विनेश ने क्यूबा की गुजमान लिपोजे को सेमीफाइनल में हराया। इसके बाद ही देश को कुश्ती में गोल्ड मिलने की उम्मीद बढ़ गई। सेमीफाइनल तक तो सब ठीक था। इधर भारत में विनेश के गांव बलाली से लेकर हर बड़े शहर तक मेडल लाने की बधाइयां बंट रही थी, लेकिन सेमीफाइनल के बाद जब विनेश ने सेल्फ वजन किया यानी खुद अपना वजन तोला तो वजन की शक्ल में किस्मत का खेल शुरू हो गया। विनेश का वजन 50 किलोग्राम से बढ़कर 51 किलोग्राम 600 ग्राम हो चुका था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक फाइनल मुकाबले से पहले आज सुबह 7:15 से लेकर 7:30 के बीच दोनों फाइनलिस्ट खिलाड़ियों का दोबारा वजन तोला गया।
इस दौरान विनेश फोगाट का वजन 50 किलो 100 ग्राम निकला और 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश कुश्ती के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कल सुबह अगर विनेश का वजन 50 किलोग्राम था और मुकाबले के बाद रात में चेक किया तो वजन 51 किलो 600 ग्राम कैसे हो गया? फिर आज सुबह ओलंपिक अथॉरिटी ने चेक किया तो विनेश का वजन घटकर 50 किलो 100 ग्राम कैसे रह गया? खिलाड़ियों का वजन ऐसे कदमताल कैसे कर सकता है? अब सवाल यह है कि इस बीच विनेश ने ऐसा क्या किया जो 24 घंटे में उनका वजन पहले 1 किलो 600 ग्राम बढ़ा और फिर 1 किलो कम हो गया? चलिए आपको यह भी समझा देता हूं। 51 किलो 600 ग्राम से 50 किलो तक आने के लिए विनेश क्या करती रही? रात भर उन्होंने मेहनत की। वो ये जानती थी कि भार का कांटा उनकी गोल्डन उम्मीदों को चुभ सकता है, इसीलिए विनेश ने पूरी रात ना कुछ खाया और ना ही पानी का कोई घूंट पिया। इतना ही नहीं, विनेश ने जॉगिंग की, रस्सी कूदी, साइकिलिंग भी की। रिपोर्ट्स में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि वजन को 50 किलो तक लाने के लिए विनेश फोगाट ने अपने सर के बाल भी कटवाए और शरीर से खून भी निकलवाया। ये सब करने के बावजूद विनेश का वजन ओलंपिक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुआ। विनेश का वजन अब भी सिर्फ 1.5 किलो ही कम हो पाया था। 51 किलो 600 ग्राम से घटकर उनका वजन 50 किलो और 100 ग्राम रह गया। Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. Extraordinary circumstances है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। Officials को ध्यान रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं हो सकता वहाँ से गलती हुई हो, लेकिन अभी भी हमें फाइट करके जो है वो उसके लिए जस्टिस जो है वो लेके आना चाहिए। अकेली फोगाट का मामला नहीं है, ये हमारे देश का मामला है, इसलिए हमें देश की ओर से हमें इसको ऊपर उठाना। कोई भी खिलाड़ी जब इतना पास आता है ओलंपिक गोल्ड जीतने के और उसके बावजूद जब आप किसी भी तरीके से खेल ना सके और पीछे रह जाए तो फिर मन तो है बहुत टूटता है, दिल बहुत टूटता है, वो उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों का दिल जो है वो टूटा है। मेडल चूकने की वजह से पूरे देश में निराशा का माहौल है, लेकिन एक उम्मीद बनी है कि एक लड़की है जो कमाल कर सकती है। हमारे साथ विनेश की बहन बबीता फोगाट सीधे जुड़ रही हैं। बबीता जी, बहुत दुख है हमें भी, आपको भी, पूरे परिवार को भी होगा, पूरे देश को भी है, लेकिन हमें विनेश का हौसला बढ़ाना है। यहाँ पर जो उसने कर दिखाया है शायद इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है, और जो उनके हाथ में नहीं था शायद किस्मत ने वो गोता खाया है। आपकी बात हुई उनसे अभी तक या नहीं? बिल्कुल मुझे मिल चुकी है, और जिस तरह से आपने कहा कि शायद वो गोता खाया है, तो मैं भी मानती हूँ कि अभी तक उस कहावत को हमने सिर्फ सुना था कि भगवान थाली में देकर और छीन लेता है। आज जब आँखों के सामने ऐसा होता हुआ देखा तो मतलब बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि वास्तव में ऐसा हो गया है। और मैं मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आज विनेश के लिए बैड लक था, और सिर्फ विनेश के लिए नहीं सभी देशवासियों के लिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत बैड लक था। आपको ये खबर कैसे मिली कि वो गोल्डन चांस के लिए नहीं जा पाएंगी, वजन का ये पंगा उनके आड़े आ गया है? मुझे ये खबर न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला था, और फिर बाद में क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ के ऊपर दुख जताते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संसद में कहा कि विनेश आप चैंपियन हो और चैंपियन ही रहेंगे, हमें बड़ा दुख है कि उस दुख को हम बयां नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस ओलंपिक में कमेटी से बात की है, और पीटी उषा जी को भी कहा है कि आप भी वहाँ पे जाके बातचीत कीजिए, और पीटी उषा जी ने खुद विनेश से मिल के भी आई हैं, ताकि उनका क्योंकि ऑलरेडी उनकी हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और वो एडमिट थी वहाँ पे, उनसे मिल के भी आई हैं, और उसके बावजूद विनेश से मिलकर उन्होंने
जो UWW था उनको भी एक लेटर लिखा है, दुख जताया, और उनसे भी एक लेटर लिखकर कहा कि विनेश को जो है उनके योग्यता के उसके ऊपर उनको सिल्वर मेडल देना चाहिए। और उसके बावजूद उनका जो बयान सुना था मैंने IOA के अध्यक्ष PT उषा जी का, तो वो कह रही थी कि मैं अभी जस्ट पेरिस ओलंपिक कमेटी के पास बातचीत करने के लिए जा रही हूँ। तो वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि विनेश को जो है अगर अभी डिस्क्वालीफाई हुई है, हालांकि मुझे पता है कि नियम तो सबके लिए बराबर है, नियम तो नियम है, लेकिन हम एक आग्रह कर सकते हैं और एक जो पेरिस ओलंपिक कमेटी हो चाहे UWW हो उनको भी और एथलीटों ने भी आग्रह किया है और कहा है कि इसके नियमों के अंदर बदलाव करते हुए विनेश को सिल्वर मेडल देना चाहिए, क्योंकि पिछले कल अगर वो 3-4 बाउटें खेली हैं तो पहले 50 kg वेट दिखाकर उसके बाद वो खेली है और आज वो डिस्क्वालीफाई हुई है, ताकि अगर उसको खेलने का गोल्ड के लिए खेलने का मौका नहीं दिया गया है और मौका नहीं दिया जाता है तो कम से कम उसको सिल्वर मेडल तो जिसके योग्य वो है तो सिल्वर मेडल जरूर देना चाहिए। आपको लगता है कि आग्रह का कोई फायदा होगा या नहीं, नियम सख्त है? देखिए मुझे पता है कि नियम तो नियम है, लेकिन हमने आग्रह किया है तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्तर पर बातचीत की है और PT उषा जी भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, तो उस प्रयास में हम कहाँ तक सफल होते हैं और कितना बदलाव कर वो सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, वो एक आगे आने वाले समय की बात है। लेकिन पहले ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, जो क्या नाम है, मैं खुद 2012 ओलंपिक से पहले मैं एशिया क्वालीफाई जो था उसके अंदर 400 kg वेट ग्राम मेरा जो ज़्यादा था और उसके अंदर मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाई थी। तो ऐसा पहले भी खिलाड़ियों के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि ये नियम अभी बना, पहले से ही नियम बने हुए थे। लेकिन हम एक आग्रह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये रूल जो हैं 2018 के बाद बदले गए हैं। उससे पहले एक नियम था कि हम जैसे कल विनेश ने 50 kg वेट दिखाया था और फाइनल बाउट उसी दिन हो जाती है, कल ही विनेश का मेडल तय हो जाता कि वो फर्स्ट आती, सेकंड आती या फिर जो भी थर्ड फोर्थ के लिए खेलते हैं तो कल ही फाइनल हो जाती। लेकिन 2018 के बाद रूल चेंज हुए हैं तो उसमें जो फाइनल बाउट्स हैं जो फर्स्ट सेकेंड की और थर्ड फोर्थ की जो रेपीचेज जो हैं वो दोनों बाउट जो हैं वो नेक्स्ट डे कर दी गई थी और उसके अंदर एक बदलाव और किया गया था कि नेक्स्ट डे जब आप फाइनल और रेपीचेज खेलने के लिए जाएंगे तो उससे पहले भी आपको वेट दिखाना पड़ेगा। तो मैं मानती हूँ कि कल जो विनेश ने वेट दिखा के वो खेली है तो कहीं ना कहीं उसके योग्य मानना चाहिए कि आज डिस्क्वालीफाई हुई है तो आज के आधार पर उनको सिल्वर मेडल देना चाहिए। ये वजन कैसे बढ़ जाता है? आप बबीता जी खुद रेसलर रही हैं, आपने भी कहा कि मेरा भी वजन बढ़ गया था एक प्रतियोगिता में, ये वजन कैसे बढ़ता है थोड़ा बताएंगे आप? देखिए खिलाड़ी जब कोई भी वेट कैटेगरी में खेलता है तो वो वेट लूज करके ही खेलता है और जब वेट दिखा के और फिर कुछ खाता पीता है ताकि एनर्जी मिल जाए, क्योंकि आपको बाउट भी खेलनी है मैट के ऊपर जाके और बाउट एनर्जी लेके ही खेलनी पड़ती है, बगैर एनर्जी के आप खेल ही कैसे पाएंगे। इसलिए जब वेट दिखा देते हैं तो उसके बाद आप खा पी सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई इतनी वो रोक टोक नहीं है, लेकिन पहले वेट दिखाना पड़ता है आपको, वेट दिखा दिया उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो उन्होंने जब एनर्जी लेने के लिए जो कुछ भी खाया तो शायद विनेश को भी नहीं पता चला होगा कि उनका वेट इतना अप हो चला जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम खाते 100 ग्राम है लेकिन वेट जो बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है या काफ़ी टाइम से हम वेट लूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसी स्थिति में आ जाती है कि हम 100 ग्राम खाते तो 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो डाइटिशियन या कोच वगैरह इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं बबीता जी? पूरा फोकस है, बिल्कुल ख्याल रखते हैं और ख्याल रखते हैं तब से, इसी वजह से ही पिछले 6 महीने से विनेश ने वेट लूज किया और वो कल खेल पाए, कल भी तो उन्होंने वेट दिखाया है,
जिसका ध्यान रखा गया और उन्होंने वेट दिखा के वो ओलंपिक में खेली और कल फाइनल तक तभी वो पहुंच पाई है। लेकिन आज जो है, जबकि आपने एक बयान, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं देखा है, जॉर्डन बोरोसिस जो कि यूएसए के रेसलर हैं, काफ़ी अच्छे और बड़े नामी रेसलर हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है UWW से भी और ओलंपिक कमेटी से कि नेक्स्ट डे जो है खिलाड़ियों को 1 kg की छूट दी जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए और ऐसी दिक्कतें ना आई और हमें नियम में बदलाव करना चाहिए। और साथ ही ये भी आग्रह किया है काफ़ी खिलाड़ियों ने, जो विश्व स्तर के जो अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि विनेश को जो है वो सिल्वर मेडल देना चाहिए। अगर बबीता जी मान लीजिए डाइटिशियन और कोच थोड़ा ध्यान रख लेते तो मुझे लगता कि देश को आज इतना दुख ना हो रहा होता, अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ पा रहा हूँ तो। नहीं, आपको मैं बता दूँ, कल 2.5 kg वेट विनेश का रात को ज़्यादा था और 2.5 kg वेट और सुबह तक अगर 100 g बचा है तो उन्होंने बहुत प्रयास किया है। नहीं, मैं डाइटिशियन और कोच के लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं विनेश के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मेहनत की। मैं वही तो मैंने बताया कि विनेश ने अपनी मेहनत की और डाइटिशियन जो कोच कर सकते थे उन्होंने भी अपना प्रयास किया है और उसी प्रयास के दौरान 2.5 kg वेट घटा है। इतना आसान नहीं है 2.5 kg वेट घटाना। मुझे ये पता है कि एक खिलाड़ी जब वेट लूज करके जाता है और वेट लूज करने के बाद जब थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाता है तो बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है कि आप अगर कितनी भी मेहनत कर लें आपकी बॉडी स्वेट ही नहीं करेगी। उसमें डाइटिशियन और फिजियो क्या करेंगे जब आपका बॉडी के ऊपर रिएक्ट है। अगर आपके स्वेट क्योंकि मेरी जितना मैं देख पा रही थी, सुना, जितना मैंने सुना है तो विनेश की जो बॉडी है वो क्योंकि डॉक्टर ने भी बताया है कि बहुत बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई थी और विनेश के बॉडी से स्वेट आना बंद हो गया था। आपका परिवार लापरवाही का आरोप लगा रहा है बबीता जी। उन्होंने अपना प्रयास किया है, रात से ही प्रयास। मैं आपको बता दूं, आप बजरंग का बयान देखिए खोलकर, बजरंग ने खुद ये बताया है कि वो पूरी रात से सो भी नहीं पाए हैं, न स्पोर्टिंग स्टाफ सोए न विनेश सो पाई है और पूरी रात से वो वेट लूज करने के लिए लगे हुए थे और हमारा बैड लक है कि वो 100 g जो है वो वेट लास्ट तक नहीं, 100 g वेट पे जाके अटक गया है। उन्होंने बाल भी काटे हैं। आपने डॉक्टर्स का बयान, मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, हमने दिखाया अभी ये कि बाल भी काटे गए, उनका भी बयान है कि हमने विनेश का जी बाल भी काटे गए हैं, कॉस्ट्यूम को भी कट किया गया है ताकि किसी तरह भी उनकी जो है, तो ये अपनी तस्तर पे उन्होंने जितना प्रयास कर सकते थे वो प्रयास किया है उन्होंने। अब कैसी तबीयत है? बजरंग का भी ध्यान आप सुनिए, हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, विनेश कैसी है? बिल्कुल अभी काफी पहले से मतलब थोड़ी स्थिति में हालांकि ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे पता है और तबीयत को भी ध्यान में रखना था, जो कि ऑलरेडी विनेश को पहले काफ़ी सीरियस हेड इंजरी भी हो चुकी थी उसका भी ध्यान रखना था और भी उसके ऑपरेशन भी हो चुके थे, उन इंजरी का भी ध्यान रखना था क्योंकि विनेश को वेट लूज करवाने के साथ साथ खिलवाना भी था। वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनका वेट लूज किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आप हमारे साथ जुड़े और हम दुआ करते हैं कि इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद विनेश का हौसला बना रहे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है और जो विनेश ने कर दिखाया है वो आसानी से हो नहीं सकता, किसी भी महिला के लिए इतना आसान नहीं था। अब पटियाला आपको बांग्लादेश लेकर चलेगा, मोहम्मद यूनुस के सिर पर कैसे सजा है कांटों भरा ताज, इन सवालों का तथ्य और सत्य के साथ परीक्षण करूंगा। उससे पहले बांग्लादेश पर कुछ बड़े अपडेट्स आप जान लीजिए। गुरुवार रात 8 बजे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोहम्मद यूनुस कल ढाका पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो तय हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा नरसंहार में बदल रही है। अवामी लीग के 29 नेताओं के शव अलग अलग जगहों से मिले हैं। कट्टरपंथियों ने नेताओं के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि जो भी नेता शेख हसीना के करीबी थे उन्हें नए निजाम से पहले चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। मौत के डर से हसीना सरकार के कई मंत्रियों ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी, सहकारिता मंत्री मोहम्मद ताजुल और खेल मंत्री नजमुल हसन,
इस्लाम हवाई अड्डे के रास्ते देश से बाहर चले गए हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने महबूबा उद्दीन जो अध्यक्ष है उसके, उन्होंने भारत के आगे एक मांग रखी है। वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, उनकी बहन शेख रिहाना को अरेस्ट करके ढाका भेजने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश कैसे आग का दरिया बना और गदर कितना बड़ा, अब पटियाला उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएगा। बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर पर आगजनी हुई और लूटपाट भी की गई। उनके घर पर करीब 3000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। हिंसक भीड़ ने उन्हें भी तोड़ दिया। भारत से जुड़े बांग्लादेशी फिल्म प्रोड्यूसर सेलिम खान और उनके बेटे शांतो को भीड़ ने जिंदा जला दिया। सेलिम खान लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के चेयरमैन थे। हत्या से पहले सेलिम और उनके बेटे को जमकर पीटा गया। कल 24 लोगों को होटल के अंदर भी जिंदा जला दिया गया था। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले और बढ़ गए हैं। सबसे बुरे हालात पंचगढ़, दिनाजपुर, बोगुरा, रंगपुर, शेरपुर, किशोरगंज, सिराजगंज, मुंगेरा, नरेला, जिशोर, चटगांव, उत्तर पश्चिमी लखीपुर जैसे बहुत सारी जगहों पर है। यहां रहने वाले हिंदुओं पर ना सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि उनकी संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई मीडिया हाउसेज में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। हिंसा के बीच बांग्लादेश बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश बैंक के डिप्टी गवर्नर समेत 6 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश का आयात निर्यात भी ठप हो गया है। 5 अगस्त से चटगांव बंदरगाह पर सामान अटका पड़ा है। इससे बांग्लादेश में महंगाई और कालाबाजारी बढ़ने लगी है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है, अपने नागरिकों को बांग्लादेश से दूर रहने की हिदायत दी है, वहां पर ना जाएं ऐसा आगाह किया गया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी शेख हसीना को शरण देने से मना कर दिया है। बांग्लादेश में हिंसा का दायरा बढ़ने के बाद नेपाल को भी घुसपैठ की चिंता सताने लगी है, इसीलिए उसने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। ये पड़ोसी राज्यों पर भी किस तरह से बांग्लादेश की हिंसा का असर पड़ रहा है, ये सब उसके परिणाम है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभालेंगे, लेकिन हिंसा और अनिश्चितता के बीच मोहम्मद यूनुस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में पैदा हुए हालात से कैसे निपटेंगे, ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मोहम्मद यूनुस का सामना एक दो नहीं बल्कि कई चुनौतियों से होने वाला है। पटियाला आपको बताएगा कि मोहम्मद यूनुस को कितनी मुसीबतों से पार पाना होगा। मोहम्मद यूनुस के लिए पहला बड़ा चैलेंज बांग्लादेश में फिर से शांति बहाल करना होगा। देश में दोबारा कानून व्यवस्था स्थापित करना होगा। मोहम्मद यूनुस के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी बांग्लादेश के लोगों में विश्वास बहाल करना, क्योंकि पुलिस, न्यायपालिका और सरकारी संस्थानों पर बांग्लादेशी आवाम के विश्वास घटने से हिंसक आंदोलन के बाद सरकार और जनता के बीच खाई बन चुकी है। बांग्लादेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना नए प्रधानमंत्री के लिए तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा था। जो लोग बांग्लादेश में हो रही हिंसा का शिकार हुए हैं, नए प्रधानमंत्री के लिए पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चौथी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि शेख हसीना सरकार में बहुत से प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ था, लेकिन अब अवामी लीग और हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में यूनुस की जिम्मेदारी होगी कि बिना भेदभाव हर पीड़ित को इंसाफ मिले, चाहे वो समर्थक है या फिर विरोधी पक्ष का। शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। अब देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए मोहम्मद यूनुस को, वो खुद एक अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए उन्हें इस मोर्चे पर उम्मीद से ज्यादा बढ़कर काम करना होगा। यूनुस को महंगाई और कम होते विदेश मुद्रा भंडार को भी मेंटेन करना पड़ेगा। बांग्लादेश के युवाओं ने देश की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। यूथ लीडर्स की बदौलत ही देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। बांग्लादेश की 2/3 आबादी नौजवान है। 19 से 29 साल की उम्र वाले 40% नौजवान यानी करीब 1.8 करोड़ बांग्लादेशी युवा बेरोजगार हैं। इतने बड़े युवा वर्ग के लिए नौकरी और रोजगार के मौके पैदा करना मोहम्मद यूनुस के लिए 6ठी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चलाने के दौरान मोहम्मद यूनुस के लिए विपक्ष का विरोध 7वां बड़ा चैलेंज होगा। विपक्ष में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अलावा सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका में मौजूदा हसीना के समर्थकों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश किया जा रहा है।
तो ये था बांग्लादेश का हाल। उससे पहले आपने देखा कि विनेश फोगाट के पूरे मामले को लेकर उनके परिवार का क्या कहना था, लेकिन आगे भी इन दोनों बड़ी खबरों पर हम हर अपडेट आपको देंगे। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद क्या देखेंगे आप, 24 घंटे 24 रिपोर्टर।